नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष रोजगार की एक शानदार जानकारी के साथ। और दोस्त, अभी मैं मुजफ्फरपुर से वीडियो बना रहा हूं। गांव का नाम है चंद्रहट्टी और यहां पर एक स्वरोजगार चल रहा है आटा सत्तू बेसन का। सबसे खास बात यह है कि यहां पर गांव में रह करके ये बिजनेस शुरू किए हैं और खुद का पैकिंग करके लोगों को देते हैं, यानी कि मार्केट में अपना खुद का उत्पाद बेचते हैं। तो ऐसे में अगर कोई भाई हमारे इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, और खास करके वैसे हमारे भाई जो ठोस बिजनेस की तलाश में है, तो काफ़ी ठोस बिजनेस है, कोई नुकसान का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है, बशर्ते कि आप क्वालिटी को मेंटेन करें। तो लंबे समय से इस फील्ड में है, इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो बहुत सारी बारीकियों से आपको आज की वीडियो में अवगत करवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और देख लीजिए, इनका बोर्ड भी लगा हुआ है, ममता इंटरप्राइजेज, और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ये उद्योग चला है, ये शुरू हुआ है। और यहाँ पर अगरबत्ती, आटा, सत्तू, मसाला और बेसन का काम होता है, और अपना खुद का पैकिंग बना करके मार्केट में उतारे हुए हैं। छोटे स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भाई हमारे कम पूंजी में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है आज के वीडियो में, कि कैसे कम पूंजी में भी इस तरह के बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। तो चलिए यहाँ के ओनर जो है उनसे बात करते हैं और उनका अनुभव साझा करते हैं। और बहुत बड़ा सेटअप नहीं है दोस्त इनके पास, जो भी इनका घर है, घर के आगे ही जो दलान वगैरह होता है, गांव में अगर देखें तो हर घर में एक दलान या आगे का जो ओसारा होता है वो होता ही होता है। तो उसी जगह पर इन्होंने इस उद्योग की शुरुआत की थी, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको अंदर से लेकर चलता हूँ और यहाँ पर दिखाता हूँ। तीन मशीन दोस्त यहाँ पर लगे हुए हैं, दो मशीन पंजाब मॉडल पल्वराइजर के हैं। अगर क्षमता की बात करें तो ये 5 HP पल्वराइजर है, और अभी इसका डेमो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर ये देख लीजिए 10 HP का पंजाब मॉडल पल्वराइजर है, और यहाँ पर ये देख लीजिए बीच में आपका ये मसाला मशीन है, आटा चक्की भी यहाँ पर है और मसाला का मशीन भी यहाँ पर है, और खुद का ये ब्रांड बना करके मार्केट में उतारते हैं। क्योंकि अभी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर बेसन है 0.5 किलो का, और यहाँ पर है 250 ग्राम का बेसन, और यहाँ पर देख लीजिए सत्तू, बिहार में काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट है, ये है फास्ट फूड, बिहारी फास्ट फूड कहलाता है। और यहाँ इधर देख लीजिए आपका हल्दी है 0.5 किलो के पैकेट में, और यहाँ पर देख लीजिए मिर्च है 0.5 किलो के पैकेट में। इसी तरह से ये अपना खुद का ब्रांड मार्केट में उतार कर बेचते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और सारी बारीकियों से आपको अवगत करवाते हैं। तो यहाँ पर साहब है, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब, ये जो बिजनेस है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका शुरुआत सब हम सब साल लगने वाला है, पिछले साल दशहरा में चालू हुआ था। एक साल पहले आपने शुरुआत किया था इस बिजनेस की, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ये हुआ था ना? जी हाँ, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत ही है। पैसा उस समय आपने नहीं लगाया था, सरकार के द्वारा पैसा मिला, उसी से आपने मशीन परचेस किया? जी जी हाँ, उसी से। तो सर, बहुत सारे गांव में लोग आटा चक्की लगाते हैं, लेकिन आपने उसी से अलग यहां पर खुद का ब्रांड मार्केट में उतारे हैं। तो ये ब्रांड जो बनाए हैं सत्तू का, बेसन का और ये आपका मसाले का, तो वो शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत बस उसी शुरू से हम वही सब कुछ एक ही साथ शुरुआत किए, आटा हुआ, मकई क्या बोलते हैं, बेसन हुआ, सत्तू हुआ, सब एक ही बार हम अपना ये बना लिए। उसके बाद जैसी चालू किए सब एक ही बार। तो माइंड में कब शुरू में ही कर दिए थे कि भाई कि हम ये बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो अपना मार्केट में खुद का उत्पाद उतारेंगे? पहले से मेरा ऐसे अगरबत्ती का था, ये सब चीज नहीं था, लेकिन जब उसको चालू किए तो सब एक ही बार निकाले, एक ही बार अपना निकालना शुरू कर दिए। तो ये जो पंजाब मॉडल पल्वराइजर है सर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें आटा या सत्तू की जो या बेसन की पिसाई होती है तो काफी जलती जाता है, बहुत ज्यादा आवाज होता है, तो आपका कहना क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, हमको कहने का मतलब है इसमें जर्ती तो शॉर्टेज का नाम नहीं है। मान के चलिए 50-100 ग्राम अगर 30 किलो अगर हम बेसन पीसते हैं तो बहुत से बहुत 250 ग्राम शॉर्टेज जाता है, बस इतना ही, इतना ही, इससे ज्यादा। आवाज बहुत ज्यादा करता है, इस पर आप क्या कहेंगे? आवाज तो उतना नहीं करता, तो लोड के हिसाब है, जैसा जो चलाइएगा इसका जो मैनुअल जो अपना लोडिंग मांगता है उतना दीजिएगा तो ये आवाज नहीं करेगा। बहुत सारे पल्वराइजर है सर मार्केट में, गुजरात में बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारे जगह पर है, लेकिन आपने पंजाब मॉडल को ही क्यों चुना, क्या इसमें आपको अच्छा लगा? इसमें इसलिए चुने कि इसका जो पिसाई जो है अवेलेबल है, बहुत बढ़िया है। अच्छा। माने कस्टमर आज तक हमको साल भर हो गया कहीं से कंप्लेन नहीं आया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो गठरी वगैरह है वहाँ भी ये रखा हुआ था, जो ग्राहक आते हैं गेहूँ पिसवाने के लिए उसका भी पीसते हैं क्या आप? जी, कस्टमर का भी जो लोकल कस्टमर है 10 किलो 20 किलो 50 किलो गेहूँ उसका भी पिसाता है। तो कैसे किलो यहाँ से पीसते हैं आप? यहाँ पर हम लोग 2 रुपये किलो पीसते हैं। 2 रुपये किलो पीसते हैं, तो कोई शिकायत एक साल के दौरान? कोई कंप्लेन नहीं आया। बहुत सारे लोग, चूंकि हम लोग भी बहुत सारे पंजाब मॉडल का वीडियो बनाए तो उसमें कमेंट आता है भाई साहब कि इसका रोटी बड़ी बेकार हो जाता है, इसका रोटी काफी चिमरा हो जाता है, कितना बढ़िया आपका पत्थर वाला है उस हिसाब से इसका क्वालिटी नहीं निकलता है, आप क्या कहेंगे? चूंकि एक साल से आप चला रहे हैं। देखिए सर, क्वालिटी इसका बढ़िया निकलता, बस कस्टमर जैसा गेहूं लाएगा वैसा ही आटा बनेगा।
गेहूं अगर फुल सुखा कर लाएगा तो उसका आटा में कोई कंप्लेन नहीं होगा। बहुत सा गांव के लेडीज है जो थोड़ा सा हवा लगा दिया, हाँ ले जाइए पीस के ले आता, उस आटा में कंप्लेन आता है, उस आटे में कंप्लेन आता है। यानी कि अगर पंजाब मॉडल पल्वराइजर कोई भाई हमारे ले या पंजाब मॉडल पल्वराइजर से इस तरह के बिजनेस की शुरुआत करें तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? कभी नहीं दिक्कत आना चाहिए, बसते उसको यूज करने वाला सही होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 मशीन आपके पास है सर, मसाला वाली भी है और 10 SP पंजाब मॉडल भी है और 5 SP पंजाब मॉडल भी है, तो अलग अलग पिसाई करते हैं कि सब में एक ही पिसाई होता है? इसे सर अगर 5 किलो 10 किलो का हमारे पास कस्टमर मोटी आया तो छोटा वाला चला लेते हैं, अगर 20-25 किलो आया तो 10 वाले जो पॉपुलाइजर है उस पर चलाते हैं, और मसाला का जो मेरा है ये तो मेरा निजी है। अच्छा, इसका एक ही मशीन है, वो अपना हम उससे मसाला पीसते हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर सर बात करें तो 5 SP का भी आपके पास है और 10 SP का भी है, तो 5 SP का प्रोडक्शन कैपेसिटी सर कितना है, 1 घंटे में कितना भी आप पीस देते हैं और 10 SP वाले से कितना पीसते हैं? 5 SP का जो सर है ये लमसम घंटा में है 40 से 50 किलो आपको अगर निकलता है। सूखा हुआ गेहूँ रहेगा तो? सूखा हुआ गेहूँ रहा तो, अगर उसमें गीला उला हुआ तो 30 किलो पर आ जाएगा। 10 का जो मोटर है उसका तो नामे मत लीजिए, चाहे 1.5 क्विंटल निकाल लीजिए 2 क्विंटल निकाल लीजिए, प्रोडक्शन का बादशाह है, उसमें कोई है नहीं है, जितना मर्जी आप निकाल लीजिए। तो 1 साल से सर चला रहे हैं, कोई ऐसी शिकायत वगैरह? हमारे पास तो अभी तो कोई शिकायत नहीं आया है। मशीन से कोई शिकायत आपको है? हमको कोई शिकायत नहीं है सर, हम ये अपना मशीन आप परचेज कहाँ से किए थे सर? परचेज यही चंद्रहट्टी कृष्णा इंटरप्राइज से किए थे, यहीं से इंटरप्राइजेज से किए। चलिए अच्छी बात है, कृष्णा इंटरप्राइजेज से इन्होंने मशीन परचेज किया है, 1 साल से ये चला रहे हैं, कहीं मशीन में कोई दिक्कत नहीं है और अपना खुद का ब्रांड तो बनाते ही है। गांव देहात के लोग आते हैं, अगल बगल के लोग आते हैं गेहूं पिसवाने के लिए यहाँ पर, तो 1 साल से उसका उनका भी पीसते हैं, 2 रुपये किलो ये पीसते हैं और कभी भी इनको शिकायत गांव वालों से नहीं मिली है कि भाई कि नहीं हमारा जो आटा आपके यहाँ से पिसा कर लेकर गए हैं तो रोटी चिमरा होता है या ये वगैरह वगैरह, कुछ कोई शिकायत नहीं हुई थी। और सर ने बताया कि अगर गेहूं सूखा हुआ होगा तो जलती भी इसमें नहीं जाती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं कि भाई आपने तो पंजाब मॉडल पल्वराइजर का बना दिया है, इतना प्रोडक्शन नहीं देती है, रोटी उसका काफ़ी चिमरा होता है, तो ऐसी कुछ कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है, जो इन्होंने किया है जो 1 साल से कर रहे हैं वही आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा सा आपके ब्रांड के ऊपर भी आते हैं, तो ब्रांड जो आप बनाए हुए हैं इसमें क्या कुछ शामिल है? देखिए सर, ब्रांड मेरा जो भी बना है, सतुआ है, बेसन है, मसाला है, ये हम आपको कह दे जे हाँ ये बढ़िया है सर। हमारा जो माल सेलिंग होता है, अगर वैसा रहता साल भर से मान के चलिए शुरू में 25 किलो सेलिंग होता था, आज के डेट में 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल सप्ताह में मेरा सेलिंग है। यानी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं? हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अगर कुछ तरह का प्रॉब्लम होता तो हमको कस्टमर अपने मेरा माल यूज नहीं करता। अच्छा सर, तो ये जो कच्चा माल है आपका है, जैसे जो बेसन पीसते हैं उसके लिए चने का दाल लाना होता है, तो वो कहाँ से लाते हैं? वो मार्केट से लाते हैं, जैसे थोक में लाते हैं, सराय हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ। सत्तू पीसते हैं तो सत्तू के लिए चना को भूनने की जरूरत पड़ती है सर, तो क्या रोस्टर मशीन भी लाए हुए हैं या तो फिर चीज़ जो है सर, उसको चना को पहले तो 80 डिग्री पानी में गर्म करने में उसको बोरी सही डुबा देते हैं, उसके बाद उसको भुजवाते हैं, फिर उसका छिलका का एक मशीन है सराय में, उससे हम उसको छिलवा देते हैं, वहाँ से जब लाते हैं चना उसके बाद यहाँ पीसते हैं। अच्छा, वो प्रोसेस करने के बाद पीसते हैं वो भी 100% आप बेचते हैं? एकदम 100% बेचते हैं, 200-500 ग्राम में मेरा। तो आपके ब्रांड का सर क्या नाम है? मेरा तो सर अभी मदर मेड के नाम से चल रहा है। मदर मेड के नाम से जी। और कहाँ कहाँ आप भेजते हैं अपना उत्पाद? मेरा उत्पाद सर मुजफ्फरपुर है और हाजीपुर, लोकल क्षेत्र में तो है ये है, इधर आप चल जाइए वैशालीगढ़ है, लालगंज है। तो दोस्तों ये इनका छोटा सा गोडाउन है जहाँ पर ये तैयार माल को अपना रखते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि अगरबत्ती का भी काम करते हैं, उसके अलावा इनका जो ब्रांड है सत्तू बेसन और मसाले, तो सब जो भी प्रोडक्ट इनका तैयार होता है यहाँ पर अपना रखते हैं और फिर यहीं से अपना सेल करते हैं। तो ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर बेसन की बात करें तो 2 क्वालिटी इनके पास है, ये कितना है नंदू जी आपका? ये 250 ग्राम का है। मार्केट में ये कितने कीमत में ये अवेलेबल है? ये सर 110 रुपये किलो का है। सत्तू आप 110 रुपये किलो बेचते हैं? सत्तू नहीं, ये बेसन है सर। ये बेसन आप 110 रुपये किलो बेचते हैं? यहाँ पर ये देखिए सत्तू है, सत्तू कैसे किलो आपका ये है? 200 ग्राम में है ये सत्तू, 140 रुपये किलो बेचते हैं। 140 रुपये किलो बेचते हैं। ये 200 ग्राम का इसका क्या रेट है? इसका 200 ग्राम का 26 रुपया। 26 रुपया जी। तो अच्छा, शुरुआत जो आप किए थे सर, तो कोई मार्केट में तो बहुत सारी ब्रांड कंपनियां भी इस फील्ड में है जो इस तरह का उत्पाद बेचती है, तो आपको दिक्कत नहीं हुआ? सर दिक्कत तो हुआ, कस्टमर बोला जे देखिए इतना महंगा ब्रांड आ रहा है आपका, हम कहें जे एक बार यूज करके देखिए, दिए यूज किया, उसके बाद अपने मांगने लगा, फिर हमारा भी माल 10 किलो 15 किलो लेता है।
यानी कि अगले का भी बेचता है और आपका भी बेचते हैं तो अच्छा लगा तभी ना ले रहा है। जो कस्टमर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया वो दोबारा लेने आया उनके यहाँ? जी सर। जब लेने आया तो फिर आपसे वो डिमांड किए? डिमांड किया, ऑर्डर मार लगाता है, हम यहाँ से माल पहुँचा देते हैं। तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर वो गाँव में रहते हुए गाँव में रह करके इस तरह का अगर बिजनेस शुरू करें तो कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए सर, सब तो मेहनत लगन करेगा तो बिजनेस कहीं भी चलेगा, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, सब परिश्रम के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनमें काबिलियत तो होगा, मार्केटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं, टिकने की क्षमता रहेगी तो फिर वो कहीं की दिक्कत नहीं, कहीं भी रहेंगे तो वो अपना कमा सकते हैं। कमा सकते हैं जी सर। काहे कि कुछ आदमी को अपना बात विचार का भी अपन निर्भर करता है, कस्टमर 50 को है तो 10 कस्टमर बहुत तरह के बात बोलता है, उसका भी सुनना है, अपना भी दो बात जो है सुनाना है। क्वालिटी भी काफ़ी मायने रखता है? तो सबसे पहले मायने रखता है, ब्रांडेड एक से एक कंपनी अभी चल रहा है मार्केट में। आप मात देना है तो आप क्वालिटी कैसे ही मात दे सकते हैं? क्वालिटी तो सबसे पहले जरूरी है। उनको मात देना है तो क्वालिटी से ही मात दे सकते हैं? से ही मात देते हैं जी। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं है। नहीं तो अगर क्वालिटी आपका डाउन होगा तो कहाँ फेंका जाएगा पता भी नहीं चले। क्वालिटी नहीं है इसका जी। आप मसाले का भी सर काम करते हैं, मसाले मशीन भी आपके पास है, पत्थर वाली शायद वो है जी जी। तो उसकी सर प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उसका? सर जैसे मिर्चाई अगर प्रोडक्शन निकालिएगा तो 3 बार पीसना पड़ता है। बहुत आदमी है जो 2 बार पीस देता है, उस माल में चमक नहीं आता। हम लोग 3 बार पीस, महीन होता है, एकदम महीन होता है और पॉलिश आता है उसमें, वो माल चमकता है, वो मार्केट में ज़्यादा मांग होता है। तो वो घंटा में 30 किलो निकालेगा, हल्दी जो है आपको 50 किलो निकाल देगा, धनिया 60 किलो निकाल देगा। 60 किलो जी घंटा में। अच्छा, तो इस तरह के जो बिजनेस करते हैं, सत्तू बेसन का है और आपका मसाले का है, तो लगभग कितने परसेंटेज की बचत हो जाती है? सर वो तो मार्केट के ऊपर है, कभी मार्केट 10 रुपया डाउन होता है तो बचत जाता है, 10 रुपया अगर तेजी हो गया तो 5 रुपया बचता है, बच जाता है, बच जाता है। बढ़िया है जी, संतुष्ट है इस बिजनेस से? तो हैं तो हम ना सर, आज 1 से 3 स्टाफ है, 4 लेडीज है, सब इसी में दाल रोटी सब। आपका ये जो फैक्ट्री है 7 लोगों को रोजगार दे रहा है जी सर। चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, बिजनेस शुरू किए हैं कृष्णा इंटरप्राइजेस के द्वारा शुरू किए हैं, वहीं से ये मशीन परचेज किए थे। तो चलिए अब वहाँ के ओनर से भी कुछ बात करते हैं। तो अब आप पहुँचा हमें कृष्णा इंटरप्राइजेस में, जो चंद्रहट्टी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें आपको प्राप्त हो जाएगी, क्या पेमेंट मोड रहने वाला है, कहाँ कहाँ डिलीवरी करवाते हैं मशीनों का, कहाँ कहाँ उपलब्ध करवा देते हैं, सारी जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी। तो स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है मेरे कृष्णा इंटरप्राइजेज के परिवार में। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज जो कंपनी है सर, कहाँ पर स्थित है पूरा पता हमारे दर्शकों को दीजिए। कृष्णा इंटरप्राइजेज आपको मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है, जो बिहार में है, बिल्कुल मेन रोड पर पड़ता है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्त मेन रोड पर है। जो ये जो रोड है दोस्त, हाजीपुर मुजफ्फरपुर वाली रोड है, और ये जो है चंद्रहट्टी बाजार है, तो चंद्रहट्टी बाजार के पास ही है, बिल्कुल ही मेन रोड पर आपको ये कृष्णा इंटरप्राइजेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर सर कौन कौन सी मशीनें हमारे दर्शकों को मिल जाएगी? यहाँ पर आपको लगभग 51 प्रकार का मशीन आपको मिलेगा। 51 प्रकार के जी। और आज जो आपका आपके द्वारा जो उद्योग शुरू किए हैं ममता इंटरप्राइजेज में, मैंने रिव्यू भी लिया है, रियल टाइम एक्सपीरियंस अपने दर्शकों के बीच साझा किए हैं, काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया से अपना रोजगार चला रहे हैं, 1 साल से वो अपना मशीन चला रहे हैं, और पंजाब मॉडल पल्वलाइजर उनके पास है। तो पंजाब मॉडल पल्वलाइजर की बात करें सर, तो कौन कौन से मॉडल इसमें आप उपलब्ध करवा देंगे? पंजाब मॉडल में आपको साइक्लोन वाला भी उपलब्ध हो जाएगा, जो विदाउट साइक्लोन होगा वो भी उपलब्ध हो जाएगा। अगर एचपी की बात करें सर, तो कितने मिनिमम कितने एचपी से आपके यहाँ शुरुआत हो जाता है पंजाब मॉडल पल्वलाइजर का? 3 एचपी से स्टार्ट हो जाएगा मेरे। 3 एचपी का जी। 3 एचपी। अगर कीमत की बात करें सर, तो पंजाब मॉडल पल्वलाइजर की आपके यहाँ क्या कीमत है मिनिमम? मिनिमम आपको यहाँ से 30,000 से पंजाब मॉडल मशीन स्टार्ट हो जाता है, और जिस हिसाब से आपका एचपी बढ़ेगा उस हिसाब से मशीन का भी प्राइस में डिफरेंस होगा। यहाँ से मशीन परचेज करने का क्या तरीका है, क्या पेमेंट मोड है सर, और कहाँ कहाँ मशीन आप उपलब्ध करवा देंगे? देखिए, जो भी आदमी, जैसे कि मेरा जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से मशीन जाता है, और उसके साथ बगल में निकटतम देश जो है नेपाल, वहाँ भी मेरा बिजनेस चल रहा है। यानी कि इंडिया में तो पूरे देश में आप भारत में तो भेजते ही हैं, साथ ही जो पड़ोसी देश है नेपाल, वहाँ भी आपकी मशीनें गई है? वहाँ भी गया है मेरा मशीन। पंजाब मॉडल मशीन जो है बहुत ही बढ़िया मशीन है, जो आपको रिव्यू देखा भी की वीडियो में देखे हैं। पल्वलाइजर का वो किंग कहलाता है पंजाब मॉडल पल्वलाइजर, प्रोडक्शन का बादशाह है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया इसका आता है। और क्या चाहिए लोगों को? तो पेमेंट मोड क्या है सर, कैसे आपके यहाँ से लोग खरीदेंगे?
ये पेमेंट मोड में यही है जो आपको कैश भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई दूर के जैसे कि मुंबई हो गया, एक तरह से मुंबई से बहुत लोग नहीं आना चाहते हैं, तो 50% या 40% पेमेंट करने के बाद मैं उनके यहाँ मशीन भेज दूंगा, मशीन देखने के बाद संतुष्ट होने के बाद फुल पेमेंट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के वीडियो से। अगर गांव में रह करके एक ठोस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी खासी कमाई आपकी हो जाएगी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खुद का स्वरोजगार कीजिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहिए, सिर्फ क्वालिटी मेंटेन कीजिए, ईमानदारी से अपने काम को कीजिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा ग्रो माई इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद।